चलो देखो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व. तो सिंपल, आपने पावर्स पढ़े होंगे इन योर 10th स्टैंडर्ड, एक्सपोनेंट्स. बस यहाँ पे उनको कंपेयर करना, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो प्रोबेबली आपको और इसके ये आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट एक्चुअली, कुछ भी इसमें इतना कंसेप्चुअल नहीं है. इट्स ऑल मैथमेटिक्स, एंड जो अपने एक्सपोनेंट्स के जो पावर पढ़े हैं वही है. आपको जस्ट LHS और RHS पावर्स कंपेयर करने हैं, इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है. देखो क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ रिपल्स. सर और हाँ, सर ए है क्या सर? ए आ रहा है आपका. कौन, हु इज दैट? यस ओके ठीक है, करेक्ट, ए है, ए इज द करेक्ट आंसर. और किसी का ए आया है? ओके, देखो इस क्वेश्चन को देखो. तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन किस, कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करे वेलोसिटी? कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है? या इट इज डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ. लेट्स से वेवलेंथ का वैल्यू ए दे दो, डेंसिटी ऑफ वाटर डी टू द पावर बी दे दो. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है? यस, इट्स डिपेंडिंग, जी की पावर सी दे दो. ठीक है, करेक्ट. सो दिस इज वेलोसिटी. तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे के, और यहाँ पे दिया हुआ है ना के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो लैम्डा ए डी बी जी का वैल्यू सी, करेक्ट. तो अब LHS और RHS हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं. तो LHS डायमेंशन के, वेलोसिटी के डायमेंशन आप सबको मालूम है, LT-1. यहाँ पे M2 पावर 0 भी आप चाहिए तो दे दीजिए. तो ये तो डायमेंशनलेस है. RHS की अगर हम बात करें तो करेक्ट, ये क्या है, दिस इज व्हाट बेसिकली वेवलेंथ. वेवलेंथ के डायमेंशन क्या होंगे? एल होंगे, L-8. डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? M L³. तो डेंसिटी के डायमेंशन हो जाएंगे ML-3. ठीक है, तो ML-3 to the power b, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, विच कम्स आउट टू बी LT-2, इट्स कम्स आउट टू बी सी. ठीक है, सो फाइनली जब आप इसको देखोगे तो M to the power b, L to the power a-3b+c, एंड T to the power -2c, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे, अब हम LHS और RHS डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग डायमेंशंस LHS एंड RHS. तो अब बताओ, अब बहुत ही सिंपल है ये तो. अच्छा एक सेकंड, लेट मी चेक, मैंने सब बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है. या बराबर लिखा है, ओके. तो अब देखो बी, यहाँ पे अगर मास का आप डायमेंशन देखोगे, मास का पावर क्या है? बी है. यहाँ पे मास का पावर क्या है? 0 है. तो बी विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर देखो a-3b+c, ये लेंथ का पावर है. दिस या ये इसका पावर यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 है ना. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a-3b+c is equal to 1. और यहाँ पे देखो 2c, 2c कितना है? t का पावर कितना है? -2c है. -2c is equal to -1. तो -2c equals to -1. तो माइनस माइनस जब आपको कैंसिल आउट होगा तो सी का वैल्यू यहाँ से. ठीक है, तो पहले देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, तीसरी इक्वेशन ये आ गई. तीन वेरिएबल्स, तीन इक्वेशन. अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी का वैल्यू तो 0 है, करेक्ट. तो बी की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, करेक्ट, पुट वैल्यू ऑफ बी इन 2nd इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? a+c is equal to 1. और यहां से देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3rd इक्वेशन से? सी की वैल्यू आ रही है 1/2, करेक्ट. तो जब आप यहाँ पे a+ 1/2 = 1 पुट करते हो तो a का वैल्यू आ जाता है 1/2. ठीक है, तो लेट्स सी आवर फॉर्मूला. अपना इक्वेशन क्या था? आवर इक्वेशन वाज दिस, दिस वाज आवर इक्वेशन ना, करेक्ट. तो या ये वाली इक्वेशन थी. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे अभी? v = k
लैम्डा का पावर ए, ए का पावर कितना है, हाफ है। डेंसिटी का पावर कितना है, डेंसिटी का बी का पावर कितना आ रहा था, बी का पावर जीरो आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है, और जी का पावर भी हाफ आ रहा है। तो बेसिकली वी इक्वल्स टू के टाइम्स, मतलब सम कांस्टेंट के जो भी रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट को बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे अपनी डायमेंशनल इक्वेशन में, लैम्डा हाफ और जी का पावर हाफ। तो जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो फाइनली यू गेट सम समथिंग लाइक दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के लैम्डा जी। तो ये देखो आपका फाइनल रिजल्ट ऐसा कुछ तो आएगा, समझ में आया क्या ये?